गोवा में आयोजित 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी समेत 11 देशों के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष 2 दिनों तक बैठक करेंगे। इसका मकसद आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर पश्चिमी देशों के आधिपत्य को चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस की सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। सूत्रों के अनुसार भारत करीब 39,000 करोड़ की लागत से 5S-400 ट्रायफ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। श्रीनगर के जकूरा में सशस्त्र सीमा बल के काफिले पर हमला हुआ। हमले में राजस्थान के रहने वाले 1 जवान शहीद हो गए और 8 जवान जख्मी हैं। जिस जगह ये हमला हुआ वो रिहायशी इलाका है। गाड़ियों पर गोलियां चलाकर आतंकी बस्ती में चले गए। वहीं हमले के बाद से आतंकियों की तलाश में रात से ही सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। स्वाद स्मारक का उद्घाटन करने भोपाल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में सर्जिकल स्ट्राइक पर टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा कि सेना बोलती नहीं, पराक्रम दिखाती है। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री को भी इस टिप्पणी में शामिल करते हुए कहा, हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जहां एक ओर सेना का स्वागत किया तो वहीं सेना के लिए सरकार की खास योजनाओं का भी जिक्र किया। एलजी कार्यालय में पहुंची केजरीवाल सरकार की फाइलें, अब दिवाली तक कई धमाके होने के आसार। एलजी हाउस से लेकर सचिवालय तक इस बात की चर्चा है कि इन फाइलों के जरिए केजरीवाल सरकार में कई खास पदों पर हुई नियुक्तियों पर तलवार लटक रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी अपनी हर चुनावी रैली में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जरूर लगाते थे। मोदी के विरोधियों को शुरू में तो ये जुमला लगा, लेकिन मोदी के पीएम बनने के 2.5 साल बाद साफ हो चला है कि ये जुमला नहीं बल्कि मिशन है। ताजा खबर है कि अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू सरकार में बीजेपी का एक मंत्री शामिल होने जा रहा है। इस तरह अरुणाचल प्रदेश देश का 14वां राज्य हो जाएगा जहाँ बीजेपी की सरकार है। चीन ने सैन्य आधुनिकरण के तहत करीब 3 लाख सैनिकों की छंटनी के फैसले पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर विरोध तेज हो गया है। खबरों के मुताबिक हजारों सैनिकों ने मंगलवार को बीजिंग में चीनी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन से नाराज चीनी सेना ने सुरक्षा बलों में बदलाव को लेकर ऑनलाइन अभियान को लेकर चेतावनी दी है। KNU एक बार फिर विवादों में है। दशहरे के मौके पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने PM के साथ 9 चेहरे लगाकर पुतले का दहन किया। इसमें अमित शाह, बाबा रामदेव, आतुराम गोडसे, JNU के VC के चेहरे लगाए गए थे। वहीं इस घटना के सामने आते ही JNU के VC ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मौजूदा दूरसंचार कंपनियां भारतीय, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने नेटवर्क के इंजेक्शन के लिए नई कंपनी रिलायंस जियो के फ्री वॉइस कॉल को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें, दूरसंचार नियामक ट्राई ने इन कंपनियों से कॉल नहीं लगने या फेल होने की उच्च दर का कारण पता करने को कहा था। ट्राई ने इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। आजकल शहर में 10 रुपए के सिक्के की चाल थमसी गई है। कुछ लोगों और दुकानदारों ने 10 रुपए के सिक्कों के चलन पर प्रतिबंध लगाने की अफवाह फैला दी है। आलम यह है कि लोग खुद भी 10 रुपए के सिक्के दुकान से लेने से मना करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर RBI 10 रुपए के सिक्के पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध न होने की पुष्टि कर रहा है।